और जबलपुर से खबर है जहां कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण भी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 10-12 साल बाद वक्फ बोर्ड पूरे देश पर हक जताएगा। उन्होंने कहा कि 16 नवंबर को दिल्ली में विशाल धर्म संसद के आयोजन किए जाने की तैयारी है और इसके लिए सभी को निमंत्रण भी उन्होंने दिया है। और जबलपुर में इस वक्त देवकी नंदन ठाकुर मौजूद थे जब उन्होंने ये बड़ी बात कही और 16 नवंबर को धर्म संसद के आयोजन का भी उन्होंने ऐलान किया। और वो दिन दूर नहीं जब पूरा ये 10-12 साल रुक जाओ, वो कहेंगे पूरा देश बकबोर्ड पे बकबोर्ड का है और हम लोग मजे से कुर्सियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। अरे कुर्सियों का विषय नहीं है, देश को सुरक्षित, संस्कृति को सुरक्षित, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करने का विषय है, धर्म को बचाने का विषय है और हम सबको एक स्वर में इस देश को बचाना चाहिए। हमारा इस देश को आजाद करने में कोई योगदान नहीं है पर इस देश को बचाए रखने में हमारा योगदान हो सकता है। ये सभी हिंदुओं से मैं कह रहा हूं, सभी सनातनियों से। दिग्विजय सिंह पर कार्तिकेय सिंह चौहान ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा कि दो बार के सीएम दिग्विजय सिंह जी अलग मुझे अगर मुझे फॉलो करते हैं, मेरा स्पीच सुनते हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं पर कार्तिकेय ने डराने का भी आरोप लगाया और दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासनकाल को लेकर निशाना भी साधा। दरअसल बुधनी में कार्तिकेय चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और कांग्रेस विधायक जीत गया तो क्षेत्र में एक ईंट भी नहीं लग पाएगी, उन्होंने कहा। और कहा इस विषय को लेकर जो दिग्विजय सिंह ने बात कही थी वो भी आपको बता दें। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कार्तिकेय को नसीहत भी दी थी। सचमुच में मेरे लिए तो ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय चाचा साहब मुझे और मेरे बयानों को इतनी नजदीकी से देखते हैं, इसके लिए उनका आभार। और दूसरी तरफ जहां उनके बयान का सवाल है, जहां कांग्रेस के बयानों का सवाल है, उनके नेताओं के बयानों का सवाल है, वो सब डरने डराने की बातें करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा आदरणीय दिग्विजय चाचा, अगर डर किसी को लगता है तो बुधनी की जनता को आपके उन 10 सालों से लगता है जिसमें आपने प्रदेश को विनाश की कगार पर छोड़ दिया था। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में छिड़ी अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस से दावेदारी कर रहे कन्हैया अग्रवाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने पहुंचे और कलेक्ट्रेट पहुंचे और पहुंचने की जैसे ही खबर मिली उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनसे बातचीत की और उन्हें समझाया बुझाया। इसके बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण से कन्हैया अग्रवाल प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। 2018 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया भी था और इस बार भी ये रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र लेने पहुंच गए कलेक्ट्रेट। हालांकि बाद में पार्टी के नेताओं के समझाने बुझाने के बाद ये वापस लौटे। रायपुर दक्षिण विधानसभा से मैंने और रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने नामांकन दाखिल कर दिया। कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी ने नामांकन रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी 1,00,000 वोटों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस ने 36 वादे किए थे जिनमें से एक भी पूरे नहीं किए। दरअसल 5 साल घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया ऐसा आरोप लगाया गया। वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार की बड़ी जीत होगी और जीत का रिकॉर्ड एक बार फिर टूटेगा। कांग्रेस अमन के 5 साल के सरकार के देखे के नहीं, भूपेश बघेल के 5 साल के सरकार 2018 के विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ के जनता बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस ला दे रही, 70 सीट तक जिता के दे रही और बड़े बड़े मन वादा करे रही, 36 ठन वादा करे रही, 5 साल में 1 ठन वादा पूरा करें, 36 में 1 वादा पूरा नहीं करें बल्कि छत्तीसगढ़ ला अपराधगढ़ बना दे, सुंदर बनाए है, जोन गौरवपथ बनाए है, जोन जेल रोड बनाए है, जोन बूढ़ा तालाब ना बनाए है, जोन रायपुर शहर में 33 टंकी बना के और घर घर में पानी पहुंचाए है,
और जोन है नवा बस स्टैंड ला बनाए है, जोन हमार बूढ़ा तालाब के स्टेडियम ला बनाए है, ये कांग्रेसिया मन तो खाली लूट मार के काम करे रहीस। आज रायपुर जोन दिखा थे वो सुनील चौनी जी के। खरगोन में स्टोन क्रेशर संचालक पर करोड़ों का जुर्माना लगा है। शरद जयसवाल पर 17 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। दरअसल कलेक्टर न्यायालय ने ये आदेश जारी किया, गिट्टी पत्थर की रॉयल्टी चोरी पर ये कार्रवाई की गई। तय समय पर जुर्माना नहीं भरा तो 35 करोड़ का जुर्माना भरना होगा, यानी दोगुने से भी 1 करोड़ ज्यादा। उत्खनन पर लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं, उसी क्रम में भोगावां क्षेत्र में अवैध उत्खनन का एक केस न्यायालय में चल रहा था, उसी पर ये अर्थदंड आरोपित किया गया है, जिसमें पर्यावरणीय क्षति और जो क्षेत्र में अवैध उत्खनन हुआ था उसका दोनों को मिलाकर लगभग 17 करोड़ का ये फाइन लगाया गया। और यदि ये समय सीमा पर जमा नहीं करते हैं तो फिर 35 करोड़ का जो है दो गुना के जो शासन के नियम है उसके अनुसार। और बालोद के तरौद गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर मोबाइल की जिद की वजह से 12वीं के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। दरअसल छात्र ने अपने परिवार वालों से तुरंत नया मोबाइल दिलाने की मांग की और देरी होने पर उसने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। वहीं इस घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। तो नो मोबाइल फोबिया देखिए कहां तक पहुंच गया है, ये हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क को पूरी तरह से अपने काबू में किए हुए है। और यदि हम अब से भी इस पर विचार करें और इस तरह की घटनाओं को होने से रोकें तो भी हम अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं, अन्यथा इस तरह के घटनाएं चिंता में डाल देती हैं। सर कोसरे कक्षा 12वीं छात्र था, ये 23 तारीख की रात के अपने परिजन को बोले कि मेरे लिए मोबाइल चाहिए, अभी चाहिए। उनके पिताजी बोले कि 2-4 दिन बाद खरीद देंगे। तो फिर 24 तारीख को सुबह ही स्कूल जाने के लिए निकला और गांव के नहर पार में जाके साइकिल खड़ा करके बैठ गया था। उसी दौरान उनके दोस्त लोग आए तो उनको बोले कि मैं जहर सेवन कर लिया हूँ, मेरे पिताजी को बता दो। वो उनके दोस्त जो है फ़ोन करके बताए, फिर उसको जिला अस्पताल बालोद ले गए, वहाँ उपचार के बाद रिफर करने पर क्रिश्चियन अस्पताल धमतरी लाए। विवेक तनखा मानहानि केस में हाईकोर्ट से शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा को झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने बीजेपी नेताओं की याचिका को खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक की मांग को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल के जरिए तथ्यों का परीक्षण होना जरूरी है। तनखा ने 10 करोड़ की मानहानि का केस किया है। विवेक तनखा को ओबीसी विरोधी बताने का आरोप लगाया गया था और इसके चलते ये मानहानि का केस किया गया था। हाईकोर्ट से शिवराज सिंह चौहान वीडी शर्मा को बड़ा झटका लगा है। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक खारिज कर दी गई।